सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट पार्टीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन सीआईडी इंस्पेक्टर आजाद सिंह के रिटायरमेंट पर जो अनोखी पार्टी हुई है, आजाद सिंह को जो सम्मान मिला है वो शायद ही आपने आज से पहले कहीं देखा हो। मेहनत और पूरी ईमानदारी से अगर आप अपना फर्ज निभाते हैं तो आपको हर जगह मान और सम्मान जरूर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है भिवानी जिले में इंस्पेक्टर आजाद ढांडा के साथ। इंस्पेक्टर आजाद ढांडा की मेहनत और ईमानदारी का ही नतीजा है जो सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें भिवानी जिले में कई अधिकारियों और कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आजाद ढांडा सीआईडी में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। 39 साल की नौकरी करने के बाद अब उनके रिटायरमेंट का वक्त है। आज हमारे भाई आजाद सिंह की सेवानिवृत्ति की पार्टी थी। बहुत लंबी सेवा के बाद, एक साल की एक्सटेंशन के बाद, प्रेसिडेंट मेडल की वजह से जो इनको मिली थी, ये रिटायर हो रहे हैं। और इन्होंने बहुत इलाके की, सरकार की ईमानदारी से सेवा की। और सबसे अच्छा काम तो जो अपने कार्यालय को रख रखाव का, जो हरियाली करने का एक उदाहरण पेश किया। सीआईडी इंस्पेक्टर आजाद सिंह ढांडा की रिटायरमेंट के मौके पर कई बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव, एसपी अजीत सिंह शेखावत, कई डीएसपी ने पहुंचकर आजाद सिंह को सम्मानित किया। एफिशिएंट और तरीके से, इतनी ईमानदारी के तरीके से इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। जो प्रदेश में जिस तरह के आंदोलन चल रहे थे, उनके अब उनको इतने अच्छे से डील करने में जो इससे सहयोग मिला है, उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा इनका कर्तव्य रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आगे भी जीवन में देश के लिए, समाज के लिए, डिपार्टमेंट के लिए कार्य करते रहेंगे और डिपार्टमेंट हमेशा इनको एक परिवार की तरह मान के रखेगा। भिवानी वासियों के लिए एक संदेश है, जैसा कि आपने भी पता है कि पूरे भारतवर्ष में हमारी भिवानी सफाई में पीछे पिछड़ी हुई है, उसके बावजूद ऐसे शहर में ऐसे ऑफिस का देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जो मेरे अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने, सरकार ने जो मुझे उत्साह दिया, उससे मैं ये कामयाब हुआ। और मैं भविष्य में भी यही कहता हूँ कि समाज के लिए काम करेंगे। आजाद ढांडा पिछले काफी सालों से भिवानी सीआईडी के प्रमुख रहे। आजाद ढांडा ने जाट आरक्षण से लेकर किसान आंदोलन तक जिले में शांति बनाए रखने में अहम योगदान दिया। जिले में मिलावटखोरों से लेकर बदमाशों के खिलाफ आजाद ढांडा ने हमेशा से ही सख्त कदम उठाए हैं। आज की तारीख में आजाद ढांडा न सिर्फ जिले के पुलिस अधिकारियों को बल्कि पूरे प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को प्रेरित करते हैं। जगबीर खनगस, भिवानी, खबरें अभी तक।